हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 8 का बी करेंगे। 8 का ए हमने एसएससी किरण बुक से सॉल्यूशन किया था, जो कंप्लीट बेसिक और उसका शॉर्टकट दोनों अप्रोच बताया था। इस वीडियो में 8 का ए उसका नाम दिए थे, इसमें 8 का बी नाम दे दिए हैं। वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा बुक है, जैसे ये आप जानते होंगे सगीर अहमद बुक और आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक से भी सलूशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बुक से भी दो तीन क्वेश्चन है इस वैरायटी का, जब आपके प्रश्न में एक अनुपात दिया रहे तो उस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। जो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इस बुक में लसा और मसा का क्वेश्चन नंबर में है 55। तीन संख्या का अनुपात दिया है, 1:2:3, मतलब तीन संख्या है आपका, उसका रेशियो दिया गया है 1:2:3। इस प्रकार से तीनों संख्या का अनुपात है, तीनों संख्याओं का मासा 12 है, तो तीनों संख्या कितना होगा, तो रेशियो में तीनों संख्या का मासा कितना हो जाएगा जो आपको बताना है, मतलब 1, 2 और 3 का मासा कितना होगा। तो अलग अलग संख्या रहता है, यदि उसका कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो उनका मासा एक होता है, और एलसीएम मतलब लसा कितना होगा, संख्याओं का गुणनफल, ये आपको नोट में बताए थे। तो 1, 2 और 3 का मासा कितना हो जाएगा, 1। तो 1:2 का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है, 12। 1:2 का वैल्यू 12 दिया है, तो मतलब 1 में 12 से गुणा किए हैं तभी 12 हो रहा है। तो इसमें भी मतलब सभी में 12 से हमें गुणा करना होगा, तो 3 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, 2 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 24, और 1 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। मतलब तीनों संख्या कितना हो गया, 12 24 और 36, जो आपके ऑप्शन नंबर कितना है, 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड, ये आपके क्वेश्चन नंबर है 56। 56 नंबर बोल रहा है, दो संख्या का अनुपात 5:3 है, यदि उनका मासा 13 है तो दोनों संख्या कितना होगा, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या है 5:13 के अनुपात में, और उनका मासा आपके प्रश्न में दिया गया है कितना है, 13 है। तो 5 और 13 का मासा पहले कितना होगा, अलग अलग संख्या रहता है, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो मासा एक होता है, और लसा संख्याओं का गुणनफल होता है। तो मासा 13 गुना 5, मतलब 13 और 5 का एलसीएम पूछता है तो 65 हो जाता है, मासा पूछ रहा है तो मासा एक होगा रेशियो में। तो 1:2 का वैल्यू आपके प्रश्न में 13 दिया है, तो 1 में कितना से गुणा किए हैं कि 13 हुआ है, ये आपके प्रश्न में दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, 13 नहीं है, 5:3 है, तो 1 में कितना से गुणा किए हैं कि 13 हुआ है, तो 13 से, मतलब 5 और 3 का रेशियो में एचसीएफ एक हुआ, तो 1:2 का वैल्यू 13 दिया है, तो 3 में भी 13 से हमें गुणा करना होगा। रेशियो का नियम होता है कि जब एक राशि में आप गुणा करते हैं किसी अचर संख्या से, तो आपको सभी अनुपातिक राशि में उसी अचर राशि से गुणा करना पड़ता है। तो 1 में 3 में भी 13 से गुणा करेंगे और 5 में भी 13 से गुणा करेंगे, तो 13 5 65 और 33 39, मतलब 65 और 39 दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कितना है, 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके ये है इसी बुक से, मतलब सगीर अहमद बुक से, ये आपके रेशियो वाला नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का मासा 8 है, दो संख्या कौन है जो पता नहीं है लेकिन उनका मासा 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लसा नहीं होगा। तो आपके प्रश्न में दिया है दो संख्या, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का मासा, मतलब दोनों संख्याओं का एलसीएम आपके प्रश्न में 8 दिया है, और एलसीएम कौन होगा दोनों संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या की एलसीएम कौन होगा, जो आपसे कौन नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, जो पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है 24, उसके बाद 48, उसके बाद दिया गया है आपके प्रश्न में 24 48 56 60, 24 48 56 60, फिर नन ऑफ दिस दिया है, ये आपको दिया गया, तो कौन नहीं हो सकता है। तो हमने आपको रूल बताया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का रूल आपको आधा ना ध्यान रहना चाहिए, हम लिख भी दिए थे कि संख्याओं का लसा होता है, जो संख्याओं का लसा, इसे हम लिख रहे हैं। देखिए हमने रूल लिख दिया, संख्याओं का लसा मसा से हमेशा विभाजित होता है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए संख्याओं का लसा जो होता है मसा से हमेशा विभाजित होता है, जैसे देखिए 24 है
24 में हम 8 से भागा देंगे तो पूरा पूरी लग जाएगा, मतलब 8 3 24 हो रहा है, 8 6 48 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 8 7 56 भी हो रहा है, लेकिन जब इसमें भागा देंगे मतलब 60 में 8 से भाग देंगे तो 8 7 56 होता है, एफ भी 64 हो जाता है, मतलब इसमें भाग नहीं लग रहा है। फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो कौन संख्या जिसमें भाग नहीं मतलब पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा 60, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बुक से, बुक का नाम था आपको पता होगा सगीरा वाला बुक से। अब देखते हैं ये आपको जो लिखे हैं यहाँ पर एसएससी क्लियर 10500 प्लस या 9500 प्लस, उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ, इस बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ कितना दिया गया है इसमें टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 1-7 है, मतलब 1 से लेकर 7 तक इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, मतलब 1 से लेकर 7 तक आपको बताना है। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनका लसा 4200 है, तो उनका मासा कितना होगा जो, मतलब 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनका लसा 4200 दिया है, तीनों संख्या का लसा कितना हो जाएगा आपको पहले ये निकालने आना चाहिए। तो एलसीएम कितना होगा, 3, 4, 5 का एलसीएम, अलग अलग संख्या रहता है तो एलसीएम निकालने के लिए गुना करते हैं, मतलब 5 और 20 60 हो जाएगा रेशियो में एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ अलग अलग संख्या रहता है तो एचसीएफ कितना हो जाता है 1, मतलब रेशियो में एचसीएफ 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से प्रश्न दिया है कि एलसीएम कितना है 4200, तो 60 रेशियो का वैल्यू 4200 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, मतलब 60 में कितना से गुणा किए कि 4200 हुआ है, ऐसे भी बना सकते हैं कि 60 रेशियो का वैल्यू 4200 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 4200/60, तो 1060 6742, मतलब 70 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 70 से गुना हुआ है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 6742, तो 60 में 70 से गुना करेंगे तभी 4200 होगा, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 4200, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 70, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 3, 4, 5 के अनुपात में 3 संख्या है, उनका लसा 4200 दिया गया था ये आपके प्रश्न में गिवन इन क्वेश्चन, तो उसका एचसीएफ कितना हो गया, उसका एचसीएफ हो गया आपके प्रश्न में 70, जो ऑप्शन नंबर कितना है 3, ये 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 संख्या का मासा और लसा 21 और 84 है, दोनों संख्या 1 अनुपात 4 में है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने ले लिया, दोनों का अनुपात दिया है 1:4, वो दोनों संख्या का एचसीएफ भी दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है और एलसीएम भी दिया गया है, तो 1 और 4 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, और 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, ये आपको पता होगा। तो रेशियो में 1 हो गया एचसीएफ, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, प्रश्न में एचसीएफ दिया है 21, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू 21 दिया है, और एलसीएम भी दिया गया है 84, दोनों दिया गया है, तो बड़ी संख्या कौन होगा जो, तो 1 रेशियो का वैल्यू 21 हुआ है, मतलब 1 में 21 से गुणा किए हैं तब 21 हुआ है। वैसे भी यहां भी देख सकते हैं 4 में कितना से गुणा करेंगे तो 84 होगा, रूल भी होता है कि एक रूल होता है क्या कि जब रेशियो में 1 के साथ हम गुणा करते हैं किसी 84 तो सभी में उसी से गुणा होता है, इसमें 21 से गुणा किए हैं इसमें भी 21 से करना होगा तो भी 21 और 84 हो रहा है। 1 और 4 में बड़ी संख्या कौन है, 4 है जो बड़ी संख्या है, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 21 और 84, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 84 हो गया, अगर जो छोटी संख्या पूछता तो कितना हो जाता, 1 में 21 से गुणा करते तो 21 होता, ये होता आपका छोटी संख्या, लेकिन बड़ी संख्या पूछ रहा है तो यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 84 है, जो ऑप्शन नंबर कितना है 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमने बताया, 6 बताया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 हमने बता दिया, 6 बता दिया, अब देखिए 5, 2 संख्याएं 5:6 में है, उनका लसा है 120, तो मासा कितना होगा। तो देखिए रेशियो में दोनों का लसा कितना होगा, 5 और 6 का लसा कितना होगा, 6×5=30, मतलब 30 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है 120, तो इनका मासा कितना होगा, तो रेशियो में मासा पहले निकाल लीजिए, 5 और 6 का मासा कितना होगा, रेशियो में मासा हो जाएगा 1, तो 30 रेशियो का वैल्यू 120 दिया है,
तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 120/30, मतलब 400 गुना करने पर, 30 में 400 गुना करने पर 120 हो रहा है, तो एक में भी 400 गुना होगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। ये आपके 120 एलसीएम प्रश्न में दिया था, प्रश्न गिवन इन क्वेश्चन, और ये जो एक में 400 गुना किया तो 4 हो गया आपका एलसीएम, तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर भी 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लसा 48 है, दोनों संख्या 2:3 में है, तो उनका योग कितना होगा। आपके बार योग पूछ रहा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, इनका लसा कितना होगा, तो 3 और 2 का लसा कितना होगा 6 होगा रेशियो में, और मसा कितना होगा, मसा पूछेगा तो मसा 1 होगा। आपको पता होगा दोनों संख्या का अगर जो मसा पूछता तो मसा 1 होता, दोनों संख्या का योग पूछ रहा है तो दोनों संख्या का योग रेशियो में कितना होगा, 2 और 3 का योग कितना होगा 5, जो पूछेगा आप बता सकते हैं। प्रश्न में निश्चित राशि क्या दिया है, एलसीएम 48 है, तो रेशियो का एलसीएम कितना है 6, मतलब 6 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 48, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, मतलब 6 अनुपात का वैल्यू 48 दिया है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 48/6, मतलब 6 × 48, 8 से गुना हो रहा है, तो जो भी पूछेगा उसमें 8 से गुना करना होगा, हमें क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है प्रश्न में, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 5 × 8, मतलब 40 आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 40 है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, दो संख्याएं 3:4 में है, ठीक, उसके बाद उनका मसा और लसा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पर दोनों संख्या दिया गया है, पहली संख्या यहाँ बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ बता रहे हैं, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है, दोनों संख्या का अनुपात दिया है 3:4, दोनों संख्या का अनुपात है 3:4, और उनका एलसीएम है 48, उनका एलसीएम कितना दिया गया है 2000, एलसीएम नहीं दिया गया है, एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल, लसा और मसा और लसा का गुणनफल 2028 है, तो पहले यहां पर दोनों संख्या का गुणनफल, रेशियो में गुणनफल कितना होगा, रेशियो में गुणनफल कितना होगा, 3 और 4 का गुणनफल 12 होगा, मतलब तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे योगफल कितना होगा, जो गुणनफल दिया है तो योगफल पूछ रहा है, योगफल कितना होगा, योगफल आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से हमें 7 तक बताना है, ये आपको पता होगा। प्रश्न दिया है दो संख्या 3:4 में है, उनका गुणनफल दिया है 2028, तो उनका योगफल कितना होगा, जो पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसे बना रहे हैं, गुणनफल कितना दिया है 2028, मतलब 12 अनुपात का वैल्यू 2028 दिया है, तो 1 अनुपात ऐसे लिख लेते हैं, 12 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 2028, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 2028/12, ऐसे तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो राशि गुणनफल के रूप में रहे, जैसे 3 और 4 का गुणनफल 12 हुआ, तो दो राशि का गुणनफल रहे तो एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर, अगर जो 3 राशि का गुणनफल रहे तो उसका 1 अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट करते हैं, मतलब घनमूल, 2 राशि रहे तो वर्गमूल, 3 राशि रहे तो घनमूल, 4 राशि रहे तो चतुर्थमूल, 5 राशि रहे तो पंचमूल, इस प्रकार से। तो 2 राशि है यहाँ पर 3 और 4, तो 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो 2028/12 का वर्गमूल, तो ये 12 से कैंसिल करेंगे, 12 एकम 12, 8 और 2, फिर कितना हो जाएगा 12 6 72, फिर 10 और 8 वर्णमठोत्तर से 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 13। तो आपसे क्या पूछ रहा है, योगफल, तो रेशियो में योगफल 3 और 4 का योगफल कितना होगा 7, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू 13 है, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 13 × 7, मतलब 91। यहां से भी बना सकते हैं कि कितना होगा 7 रेशियो का वैल्यू 91, कैसे 91 होगा आपको पता चल रहा होगा कि 13 से गुना किए तो 91 हुआ है। इसमें कितना से गुना करना होगा, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू कितना निकल कर चलाया, रूट अंडर 169, ये आपको समझ में आना चाहिए, या इसी को बोल सकते हैं कि 13 से गुना किए है। अब इसके बाद देखिए 91 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 91 ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड वन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेवन से वन हम बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, दिया गया आपके प्रश्न में तीन संख्या दो तीन चार के अनुपात में है तथा उनका लसा बारह है, तो लसा कितना होगा? तो दोनों यहाँ पर तीन संख्या है तो तीनों संख्याओं का मसा कितना होगा? अलग अलग संख्या है तो उनका मसा कितना होता है? एक होता है। कैसे? जब उनका कॉमन फैक्टर एक होगा तब। तो दो और चार का पहले मसा कितना होगा? दो और चार का मसा दो होगा। फिर दो और तीन का मसा कितना होगा? तो एक होगा, क्योंकि दो और तीन अलग अलग संख्या है। तो दो तीन चार का मसा कितना हो गया? एक। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है इसका क्या लसा, तो पहले इसका रेशियो में भी लसा निकाल लीजिए। तो दो तीन चार का लसा कितना होगा? दो और चार का लसा चार हो गया, फिर चार और तीन का लसा बारह। तो एक रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है, प्रश्न में मसा दिया गया है बारह, ये आपके प्रश्न में दिया गया है बारह, मतलब एक रेशियो का वैल्यू बारह दिया है, तो एक में बारह से गुना किए तभी बारह हुआ है। तो बारह रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें भी बारह से गुना करना होगा, मतलब बारह गुना बारह तो एक सौ चौवालीस, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपको बोल रहा है 28 और 42 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 28 और 42 दो संख्या है, 28 और 42 ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, एक 28 है दूसरा 42 है, दोनों का लसा बोल रहा है और दोनों का मसा बोल रहा है। तो 28 और 42 का पहले लसा निकालिए, तो लसा कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 28 और 42 का लसा निकालने के लिए बड़ी संख्या लेते हैं 42, ठीक, और 42 लिए तो 42 42 से कट रहा है, ठीक है। अब 42 है जो 28 से नहीं कट रहा है, तो कौन कारण से नहीं कट रहा है वो आपको पता करना है, कटना चाहिए मतलब 14 दुनिया 28 होता है, 14 दिया 42 होता है, तो दोनों में तो 14 कॉमन है, इसमें दो है इसमें तीन है, मतलब इसमें दो नहीं है तो दो हम इसमें दे देंगे, मतलब 42 गुना 2 कितना हो गया 84, 84 आपका हो गया लसा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 28 और 42 का लसा निकालना है तो जो बड़ी संख्या लिए उसका मल्टीपल करते जाइए, मतलब गुणज उसका पहाड़ा करते जाइए, तो 42 से कम 42 ये भी आपका लसा नहीं हुआ, 42 दूनी 84 की, तो 42 दूनी 84 हो रहा है, 84 हो रहा है, मतलब 84 आपका लसा हो गया। मसा निकालना है तो छोटी संख्या लेते हैं, जो संख्या दिया रहता है जितना आपको उसमें से छोटी संख्या लेते हैं। 28 और 42 का मसा कितना? सबसे पहले 28 ही है, 28 है कि नहीं जो पता करना है, अगर 28 नहीं है तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर लेना है, तो 28 का फैक्टर कौन कौन हो गया? 28 हो गया, फिर 14 हो गया, 28 के बाद आप 28 का फैक्टर कौन, 28 हो गया 14 हो गया और यहाँ पर से 60 भी हो गया। तो देखिए 28 28 से कट रहा है, ठीक, लेकिन 42 है जो 28 से नहीं कट रहा है, तो 28 आपका एचसीएफ नहीं होगा। उसके बाद देखिए 14 मतलब 42 में 14 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा 14 दिया 42 और 28 में भी हम 14 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, मतलब 14 दुनिया 28 14 दिया 42 तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 14। तो बड़ा फैक्टर 28 हुआ लेकिन 28 आपका एचसीएफ नहीं हुआ, 14 हो गया आपका एचसीएफ, क्योंकि 14 से दोनों संख्या कट रही है। तो आप दोनों को क्या निकालना है आपका? अनुपात, तो 84 और 14 का अनुपात 14 एकम 14 14 6 84 तो 6 अनुपात एक आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बुक से हमने ये 9500 प्लस था और 10500 प्लस जो बुक है इससे भी पूरा कवर हो गया होगा, आपको पता होगा, मतलब इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बुक से मतलब आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर बुक है 2017 तक या 18 तक जो भी एग्जाम हुआ है इसमें टोटल अप टू डेट है, तो इस वैरायटी की जो भी क्वेश्चन है नंबरिंग सहित हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन देते हैं। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।